ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर माहिदा और आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लांटर फेशियाइटिस, जिसको हम आम जबान में कहते हैं हील में दर्द का या एड़ी में दर्द हो जाना। अब हम सबसे ज़्यादा लोग ये कंप्लेन करते हैं, हम जब सो के उठते हैं पहले चंद कदम हमारे लिए नीचे ज़मीन पे रखना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो इतनी सिवियर पेन होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है थोड़ी बहुत पेन बेहतर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चलने से, ज़्यादा वॉक करने से हमारी पेन फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली पाँव के तले के नीचे हमारा एक पट्टा होता है जिसके खिंच जाने से तकलीफ होती है। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर इसके बारे में सारी ज़रा डिटेल से इंफॉर्मेशन दिखा देती हूँ। ये इस तरह हमारे पाँव के नीचे एक टिश्यूज़ का बैंड होता है जो हमारे पाँव की उंगलियों को नीचे हील के साथ कनेक्ट करता है। इस पट्टे की इन्फ्लेमेशन और खिंच जाने से इस तरह एड़ी के नीचे दर्द जो है वो हमें नुमायाँ हो रही होती है। वॉक करने से, चलने से जब आप पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो इसमें शिद्दत की तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है और इस तरीके से हमें हील के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये एक पेशेंट है जिनके मल्टीपल हील के अंदर नॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो नॉट्स हैं ये सारे के सारे सेंट्रलाइज होके हील के अंदर पेन दे रहे होते हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरी मिड हील के अंदर जब मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ तो पेन होता है, और यूजली उनको ये पता नहीं होता कि ये एक मिड में सेंट्रलाइज एरिया में जब हम पैल्पेट करते हैं तो इस तरह के मल्टीपल नॉट्स हमें नज़र आ रही होती हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और जैसे हम इसकी एक मेन सेंट्रलाइज नॉट को रिलीज करते हैं और ट्रीट करते हैं तो फौरन ये सारे नॉट्स ख़त्म भी हो जाते हैं और हील पेन्स जो हैं वो सेटल डाउन भी हो जाती हैं। हील पेन की मल्टीपल रीजंस है जिसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमारी कायरोप्रैक्टिक गन के साथ होने वाली एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारे फेशिया को रिलैक्स करती हैं। इस पाँव के पट्टे को हाथ के साथ भी रिलीज़ किया जाता है ताकि डिटेल तक ये सारा हमारा जो बैंड है ये बिल्कुल रिलैक्स हो सके। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाने वाला सॉफ्ट टिश्यू है। जब फेशिया बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट और डीप होता है तो ये ज़रा इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इसको मसल को रिलीज़ करने के लिए इसको हेल्प करते हैं। इस प्रोसीजर में हम निडल्स के साथ एक डिवाइस अटैच करते हैं और डीपली इस फेशिया को रिलीज़ करते हैं। और ये एंकल की कायरो है। तो ये आपने वीडियो देख ली फ्रेंड्स, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है, और कुछ क्लिप्स लगाए जिसके अंदर आपको ये दिखाया कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं प्लांटर फेशियाइटिस का। कुछ फिजियो और कायरो की चीज़ों को मिला के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ क्लिप्स इसमें मौजूद हैं और कुछ नहीं भी हैं, जो बाकी चीज़ें भी हम करते हैं। शॉर्ट वीडियो होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते इसके ऊपर। आप में से कोई भी बंदा जिस मसले में मुब्तला है तो आप अपनी कंसल्टेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है एक अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप लोग किसी चीज़ के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या किसी मर्ज़ के बारे में जिससे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो हमें प्लीज़ अपनी क्यूरी ज़रूर सेंड करें। जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।